सहारनपुर क्राइम ब्रांच टीम और थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दो स्मैक तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से एक कार, 80 ग्राम स्मैक व 10,000 रुपए की बरामद। सहारनपुर नगर कोतवाली प्रभारी पंकज पंत, उनकी पुलिस तथा क्राइम ब्रांच टीम ने पुल जोगियान स्थित राकेश सिनेमा रोड पर कल शाम दो ऐसे नशा कारोबारियों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ व होंडा सिटी कार तथा 10,000 रुपए नगद सहित गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की, जिनका काम केवल स्मैक अधिक दामों में बेचकर युवा पीढ़ी को बर्बाद करना था। नगर कोतवाली प्रभारी पंकज पंत अपनी पुलिस टीम के साथ कल शाम लगभग 6:30 पर पुल जोगियान राकेश सिनेमा रोड पर गश्त पर थे। अचानक सामने से होंडा सिटी कार आ रही थी। जैसे ही पुलिस टीम से ने रुकने का इशारा किया तो इन्होंने अपनी गाड़ी को तेज दौड़ा दिया, लेकिन साहसिक पुलिस दल ने भी हिम्मत नहीं हारी तथा कुछ ही दूरी पर दौड़ती इस कार की चारों ओर से घेराबंदी कर इन्हें पकड़ लिया, जिनके कब्जे से पुलिस को 80 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 5,00,000 रुपये बताई गई है, तथा 10,000 रुपये नगद बरामद किए गए। नगर कोतवाली प्रभारी पंकज पंत ने भी बताया कि इस गिरोह में कौन कौन शामिल है, इसका क्या और लोग कौन थे, इसमें मुख्य रूप से सहयोगी है, सभी का पता लगाया जा रहा है। दोनों नशा तस्करों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच और कोतवाली नगर के टीम के द्वारा एक जो स्मैक तस्कर है उनको पकड़ा गया है, दो लोगों को पकड़ा गया है। ये इनके पास से कुल 80 ग्राम का जो स्मैक है, जिनका कीमत लगभग 5,00,000 रुपए है, इनको बरामद किया गया है। एक होंडा सिटी कार जब्त किया गया है और एक जो 10,000 रुपए नगद जब्त किया गया है। तो इनकी कहां से अभी कहां से ये और कनेक्शन है, इनका कहां से ला रहे हैं, इसका भी एक नेटवर्क पता करवा रहे हैं और वहां तक पहुंच के उनको भी गिरफ्तारी करने का ये कर रहे हैं। सर, जो गाड़ी बरामद हुई है क्या उसी गाड़ी से उसमें ला रहे थे, वो उस गाड़ी को भी हमने सीज कर, जिस गाड़ी में ये मिला, जिस गाड़ी से ये ला रहे थे तो उसको भी गाड़ी सीज कर दिया है। और आगे इनका और भी क्या संपत्ति बनाया है देख रहे हैं कि उस संपत्ति को भी हम लोग सीज कर रहे हैं।